हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को रिकॉर्ड कर दिया है और उसमें एकदम ह्यूज अच्छे से रिस्पांस आया हुआ है। अगर वो सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लो, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, जाओ जाके देखो, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 को देखो, तभी समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला बात तो ये कि आप लोगों को अगर नहीं पता है कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस हम कंडक्ट करा रहे हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के फ्री क्लासेस हम कंडक्ट करा रहे हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, वो 6 स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो कर लेने हैं और ज्वाइन कर लेने हैं हमारे फ्री सेमेस्टर 1 के क्लासेस, जहाँ पे हम बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। फिलहाल ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला सब्जेक्ट है, ये तो सबके लिए है, तो सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए सबसे पहले हम आज के टॉपिक में बात करेंगे राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में। हमने पिछले दिन बहुत सारे राइट्स के बारे में पढ़े थे, हम एक बार वहां पे उस पेज में आपको ले जाना चाहते हैं। चलिए आ गए हम लोग ये पेज में। हम लोग पिछले दिन ये सारे नोट्स, सुंदर सुंदर नोट्स बनाए थे और बहुत सारे राइट्स के बारे में भी पढ़े थे। हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 3 गारंटी 6 फंडामेंटल राइट। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले तो राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़े थे, इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़े थे, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सब चीज के बारे में हम लोग एकदम पढ़े थे। लेकिन आज एक एक चीज को विस्तार रूप से डन करना है। हम लोग सबसे पहले आज राइट ऑफ इक्वालिटी से शुरुआत कर रहे हैं और राइट ऑफ इक्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से हमको आज डन करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए राइट ऑफ इक्वालिटी को डिटेल्ड वे में पढ़ना है आज, ठीक है। तो राइट ऑफ इक्वालिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 में लिखा गया है। किसने लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ने लिखा है, जिसका चेयरमैन कौन था? भीमराव अंबेडकर। चलिए सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। इक्वालिटी मतलब आपको क्या समझ में आता है भैया? इक्वालिटी मतलब हो गया समानता, इक्वालिटी मतलब हो गया इक्वल राइट्स। इस देश में कोई भी पंजाबी, मराठी, गुजराती, बिहारी, मुस्लिम, हिंदू, ये सब सब नहीं है, सब इक्वल है, सारे के सारे जात पात इक्वल है, सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं, स्टेट। स्टेट मतलब क्या हो गया भैया? स्टेट मतलब आप बोले थे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जितना भी चीज है वो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, तो गवर्नमेंट को बोलते हैं स्टेट, ओके। तो स्टेट शैल नॉट डिलाइट टू एनी पर्सन इक्वालिटी, मतलब कि किसी पर्सन का इक्वालिटी के लिए देरी ना करे, ठीक है, बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि लॉ सबके लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए, कानून किसी हिंदू के लिए नहीं होना चाहिए, कानून हिंदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, बंगाली, सबके लिए होना चाहिए, सारे के सारे धर्मों के लिए होना मतलब ये चाहिए, सारे के सारे जातियों के लिए होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, है ना। तो ये देश सबका है, इसमें जाति प्रजाति नहीं होगी, यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहना चाहिए, गवर्नमेंट सबको प्रोटेक्ट करेगी इसमें, सबसे पहला रूल तो ये। इसके बाद सेकेंड वाला पढ़िए, द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द COI। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मोटिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मोटिव ही तो यही है, इक्वालिटी प्रोवाइड करना। भीमराव अंबेडकर जी के साथ इक्वालिटी ही तो नहीं हुआ था, वो बहुत छोटे से जाति के थे, उनके साथ जातिवादी भेद बनाया जाता था, यही सब चीज को तो रिमूव करने के लिए वो जब बहुत बड़े आदमी बने तब ये ऑफकोर्स मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे, है ना। तो द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ COI, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे बेसिक वाला फंक्शन यही है, राइट ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 फोरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। लाइक पहले ना, आजकल के दिन में भी, आजकल के दिन में भी बहुत सारे गांव में, आजकल के दिन में भी है ब्राह्मण्स, क्षत्रिया,
वैश्या, सुद्रास, तो इन सबको पूरा का पूरा रिमूव करने की ट्राई की गई है। ये पहले एकदम ऊंचा जाति का ब्राह्मण को माना जाता था, जो लोग ब्राह्मण है वो लोग एकदम ऊंचा जाति का है, सिर्फ वही लोग मंदिर जा सकता है और कोई मंदिर नहीं जा सकता है, तो ये तो गलत है ना। इसी के लिए जाति प्रजाति को हटाया गया, सब कोई इक्वल है। ब्राह्मण को भी वही मतलब ये सोसाइटी में रहना पड़ेगा, क्षत्रिया को भी वही सोसाइटी में रहना पड़ेगा, वैश्यास को भी वही सोसाइटी में रहना पड़ेगा, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलेगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, कोई यहाँ पे राजा नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ मतलब ये बड़ा हेड पोजिशन में नहीं बैठा हुआ है, सब समान है, समझे। इसके बाद देखिए, इसके बाद फोर में हेल्ड बाई एससी, एससी मतलब क्या हो गया भैया, एससी मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, हेल्ड बाई एससी इन केस ऑफ राम किशन डालमिया, मतलब कि राम किशन डालमिया वर्सेस ये जस्टिस ये टेंडुलकर के बीच में यहां पे लड़ाई हुई थी कोर्ट में। ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई किया गया था, कौन सारे कंडीशंस को भैया, तो जस्टिस और यहाँ पे डालमिया के साथ जो लड़ाई हुई थी ना, रामकिशन डालमिया और जस्टिस मतलब ये टेंडुलकर के साथ जो लड़ाई हुई थी उस केस में, ये सब सारे फॉलोइंग कंडीशंस को रखा गया। सबसे पहले मतलब जज ने जो फैसला सुनाया था, जज ने क्या बताया था, जज ने बताया था कि क्लासिफिकेशन शुड बी बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, मतलब कि क्लासिफिकेशन करो, किसी का क्लासिफिकेशन करो लेकिन इंटेलिजिबल के बेसिस पे। जैसे कि आप लोग अगर नौकरी मांगने जाएंगे, आप लोगों में से कोई ऐसा होगा कि बीकॉम किया होगा सिर्फ, और कोई ऐसा बंदा होगा जो एमकॉम किया होगा, तो ऑफ कोर्स बीकॉम को प्रायोरिटी कम मिलेगा, एमकॉम को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, एमकॉम को जॉब मिल जाएगा, बीकॉम को जॉब नहीं मिलेगा। तो वो इंटेलिजेंट एमकॉम ज्यादा है, एमकॉम वाला इंटेलिजेंट ज्यादा है, एमकॉम वाला बहुत सारे स्किल्स भी सीख के आया है शायद शायद, और बीकॉम वाला सिर्फ बीकॉम करके आया है। तो मतलब कि इंटेलिजेंस के बेसिस पे छाट दिया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, सिर्फ इंटेलिजेंस के बेस पे छाटने वाला होना चाहिए। मतलब कि वहां पे ऑफिस में क्या जाति प्रजाति दिखते हैं, ऑफिस में क्या बोलते हैं कि ये हिंदू है इसको ही सिर्फ हम रखेंगे, मुस्लिम को हम नहीं रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, सिंपल सा बात है। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें लॉ प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लॉ हमें प्रोटेक्ट करता है, हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला कंडीशंस बोला गया, ये कहां बोला गया, ये भैया एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था, रामकृष्ण डालमिया और जस्टिस के बीच में एक सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई के बीच में जज ने ये सब सारा चीज बोला था, जज ने ये सारा चीज यहाँ पे फैसला सुनाया था। तो क्लासिफिकेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलिजिबल, मतलब ये डिफरेंसिया, इसको तो आप लोग ने समझ लिया, हाँ भैया समझ लिए। इसके बाद देखिए इट शुड हैव ए रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव शाउट टू बी अचीव, मतलब कि जो चीज हमें अचीव करना है उसके साथ कुछ मेरा रिलेशन रहना चाहिए, जो चीज हमें अचीव करना है उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहना चाहिए, ठीक है। और थर्ड वाला देखिए, क्लासिफिकेशन कैन बी ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशनल, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मैं अगर कोलकाता में हूं तो मुझे कोलकाता में ही जॉब मिलेगा, मुझे दूसरे स्टेट्स में जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि मैं दूसरे स्टेट्स का भाषा नहीं जानता हूं, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से थोड़ा मोड़ा अलाउ भी है। एंड ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, अगर मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूं, अगर मैं इंजीनियरिंग पर के आया हूं तो मुझे जॉब किधर मिलेगा, मुझे जॉब मिलेगा आईटी सेक्टर में। अगर मैं कॉमर्स पर के आया हूं तो मुझे जॉब कहां मिलेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भैया। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हो सकता है, अपना अपना काम यहाँ पे बांट सकते हैं, अपना अपना काम यहाँ पे क्लासिफाई हो सकता है, ठीक है। जिस वे में हम लोग ने पढ़ाई लिखाई किया है, जिस वे में हम लोग ने लर्निंग ग्रैब किया है, उस वे में हमारा क्लासिफिकेशन भी होगा, ठीक है। डी अटैकर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो भी ये क्लासिफिकेशन को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी ये क्लासिफिकेशन को भंग करने की कोशिश करेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्लासिफिकेशन इनवैलिड है। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्लासिफिकेशन इनवैलिड है, मतलब किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ ये अन्याय हो गया और उसको ऑफिस में बोला कि तुम हिंदू हो तुमको ये जॉब नहीं मिलेगा, तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका बॉस ने उसको हिंदू
बोला और जॉब नहीं दिया, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब कि जिसके साथ भी अटैक हुआ है, जिसके साथ भी जाति भेद हुई है, उसको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा उसका इनवैलिडिटी, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 15 पढ़ते हैं, अभी आर्टिकल नंबर 15 पढ़ते हैं विस्तार रूप से, एकदम डिटेल्ड वे में, डिटेल्ड वे में। आर्टिकल नंबर 15 प्रोविजन के बारे में बात करता है, मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म के नाम पे बट जाना, धर्म के नाम पे बंटवारा करना, ये गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बोलता है कि धर्म के नाम पे तो बंटवारा मत करना, ठीक है। सुनिए, आइए इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। इट्स मतलब ये प्रोहिबिट्स, मतलब ये प्रोहिबिट्स मतलब क्या हो गया, प्रोहिबिट्स मतलब रोकना, प्रोहिबिट्स मतलब रोकना द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं, स्टेट मतलब पूरा कंट्री में जितना भी इंसान लोग रहता है उसके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की गुजारिश की गई है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है, किसी के साथ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कास्ट के बेसिस पे मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ मेल है या फीमेल है यानी कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मेल है या फीमेल है दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज का, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ओके। किसी के साथ भी प्लेस ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या तो एनी ऑफ देम, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं उसके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट्स देखिए, नो सिटीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी सिटीजन को शॉप में जाने के लिए रोक टोक नहीं है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी शॉप में जा सकता है, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, खाना पीना खा के आराम से मौज मस्ती करके आ सकता है वो। प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब कि पब्लिक एंटरटेनमेंट में वो जा सकता है, क्लब्स में जा सकता है, कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं, एक्सेप्शन है मम्मी पापा, मम्मी पापा तो सीधा थप्पड़ लगाएंगे तुमको यहाँ पे अगर जाओगे तो, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो तुम कोई भी शॉप में जा सकते हो, तुम कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हो, और तुम कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट में जा सकते हो। तो अभी से कोई भी मोहल्ले वाले या तो कोई भी सोसाइटी वाले अगर रोक टोक करे तुमको, तो बोलना भैया आप मुझको मत रोकिए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दिया हुआ है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, हमारा मर्जी। इसके बाद देखो, इसके बाद मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है तुम वेल का यूज कर सकते हो, वेल मतलब जानते हो ना, कुआ वुआ का यूज कर सकते हो, टैंक का यूज कर सकते हो, बाथिंग घाट का यूज कर सकते हो, रोड्स का यूज कर सकते हो, रास्ता सबका है, रास्ता तुम्हारा अकेले का नहीं है, तुम किसी को यूज करने से रोक भी नहीं सकते और तुम खुद तो यूज कर ही सकते हो, तो रास्ते पे सब कोई चलेगा, रास्ता मतलब कि तुम्हारा अकेले का नहीं है, है ना। तो तुम वेल का यूज कर सकते हो, टैंक्स का यूज कर सकते हो, बाथिंग घाट्स का यूज कर सकते हो, रोड्स का यूज कर सकते हो, यहाँ पे पब्लिक पार्क में जा सकते हो, पब्लिक पार्क में रात को मत जाना वरना डंडा मार के निकालेगा तुमको, ठीक है। तो पब्लिक पार्क्स में बस रात में मत जाना तुम, ठीक है, दिन में तुम जा सकते हो आराम से। विच आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट आइदर होली और पार्टली, बहुत जन तो पब्लिक पार्क जाते हैं इंटेंशनली, उसको डंडा वंटा मार के भगाना चाहिए। चलिए हो गया खत्म। तो ये क्या डिफाइन करता है, ये सेकंड वाला पॉइंट था, नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जहां पर भी एंटरटेनमेंट है वहां पर हम जाएंगे, हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इसके बाद हम लोग वेल का यूज कर सकते हैं, टैंक्स का यूज कर सकते हैं, बाथिंग घाट्स का यूज कर सकते हैं, जहां कहीं भी नहा सकते हैं, ये पगलापंती कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं हमें, ठीक है। चलिए, जो चीज गवर्नमेंट का है वो चीज के लिए कोई रोकेगा नहीं। तो ये दोस्तों आज यहीं तक करते हैं हम लोग, और अगला दिन हम लोग आर्टिकल नंबर 16 से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये लेक्चर आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का अगर फ्री लेक्चर चाहिए तो प्लीज 6 स्टेप्स को फॉलो करो और आ जाओ हमारे सेमिस्टर 1 के ग्रुप में, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चलिए थैंक यू।